साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का हुआ आगाज। इस समिट में 16 देशों में 304 कंपनियां हुई शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का किया उद्घाटन। योगी, राजनाथ भी मौजूद, साथ ही मुकेश अंबानी भी रहे मौजूद। इन्वेस्टर समिट 2023 में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा छल समाजवाद ने भारत के औद्योगिकरण को पहुंचाया नुकसान। इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएमयू में किया जिक्र, बोले प्रदेश में निवेश के लिए 29 लाख करोड़ के एएमयू को साइन किए गए। इन्वेस्टर समिट में बोले पीएम मोदी, कहा सिर्फ 6 साल ही पूरे देश के लिए आशा और उम्मीद का केंद्र बना यूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आगंतुकों का किया स्वागत, बोले मैं मुख्य अतिथि हूं पर यहां का सांसद भी हूं। इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए मुकेश अंबानी बोले यूपी में 75,000 करोड़ का निवेश करेंगे, 1,00,000 लोगों को जॉब देंगे। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम का बयान, बोले सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर अच्छा काम किया है। इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए टाटा सन्स के अध्यक्ष एएन चंद्रशेखर बोले भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में यूपी बड़ा योगदान दे सकता है। इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए डीएनआर बचर बोले नोएडा एयरपोर्ट प्रदेश के विकास के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। भाजपा नेता संगीत सोम का बड़ा बयान, बोले पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बनाने की तैयारी। बारह फीट ऊंची लक्ष्मण प्रतिमा का अनावरण, सीएम योगी बोले दुनिया देखेगी विकास की नई कहानी। प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, बोले अडानी भारत के व्यापारी हैं इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है। इटावा से एफआई स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र बैठे धरने पर, डाइट समेत अन्य समस्याओं से जूझ रहे सैकड़ों छात्र। मुजफ्फरनगर में भाकियों की महापंचायत जीआईएस मैदान में चल रहे धरने में जुटेंगे किसान, यातायात पुलिस ने किया रूट डायवर्जन। सरकारी योजनाओं पर बोले राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह, कहा सबको मिल रहा है योजनाओं का लाभ। वाराणसी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, संकट मोचन मंदिर में किए दर्शन पूजन, पूरा दरबार जय सियाराम के जय घोष में गूंज उठा। ट्रक में फंसकर 500 मीटर तक घिसटती रही कार, आगरा की सड़क पर निकलती रही चिंगारी। सहारनपुर हाईवे पर स्टंटबाजी, सूट बूट में स्कूल फेयरवेल में जा रहे थे, हूटर के साथ किया वीडियो शूट। गोरखपुर में तिरंगे से पूछा ई रिक्शा, तुम हिंदुस्तानी हो के सवाल पर हंसकर बोला फिर शीशा साफ करने लगा।
बाराती को बंदूक की बट से पीट पीट कर हत्या। दूल्हा दुल्हन साथ में खाने पर हुआ था झगड़ा। मुठभेड़ में दो लुटेरे घायल। मथुरा के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़, तीन बदमाश किए गए गिरफ्तार। अमरोहा में छेड़छाड़ करने के दोषी को 4 साल सजा, 15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। गोरखपुर नगर निगम ऑफिस में कर्मचारी की अफसरों ने की पिटाई। कर्मचारी बोला सीसीटीवी में सब कुछ है कैद। मेरठ में बाइक में कार से टच होने के विवाद। सधना में दो पक्षों में झगड़ा, माहौल बिगाड़ने का प्रयास। सड़क पर उतरे गाजीपुर पुलिस कप्तान। पैदल गश्त के दौरान आमजन से लिया शांति सुरक्षा का फीडबैक। बागपत में शादी में दो पक्षों में मारपीट। डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ बवाल। एक दूसरे पर लाठी डंडे और बेल्ट चलाए। हर्ष फायरिंग में दूल्हे के चाची की मौत। बगैर रस्मों के विदा हुई लड़की। शव लेकर फतेहपुर भाग निकले परिजन। मथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर की 5 करोड़ की 59 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। आर्थिक धोखाधड़ी के दर्ज है मुकदमे। शराब देने से मना करने पर दूल्हे का पर फायरिंग। बचाने पहुंचे भाई के हाथ में भी लगी गोली। चल रही थी दावत, कल जानी है बारात। गाजियाबाद में 91% नाबालिग पर ड्राइव करने पर एफआईआर। स्कूटी बाइक चलाकर स्कूल गए थे, 91 वाहन सीज किए गए। कानपुर देहात महोत्सव में मना शौर्य दिवस। नन्हे मोने बच्चों ने बचाया धमाल। देशभक्ति के गीत पर झूमते नजर आए एसपी। अमेठी एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 6 से अधिक थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव। सोशल मीडिया के हर पोस्ट पर पुलिस की नजर। जौनपुर में 10 पुलिसकर्मियों को मिली जिम्मेदारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यूपी अलर्ट। नेपाल व पड़ोसी राज्यों की सीमा पर बढ़ी पेट्रोलिंग। चलती कार के बोनट पर बैठकर लहराई पिस्टल। मुरादाबाद में मेरी पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा गाने पर बनाई रील। आगरा में अपहरण के बाद छात्र का मर्डर। पीले रंग के तिरपाल में लपेट कर चलाए। 10 लाख की फिरौती मांगी थी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला घोटा। झांसी के पहले पिलाई थी शराब। बोली मुझे रोज पीटता था इसलिए मार डाला। मेरठ में नाबालिग के दोषी को उम्र कैद। साल 2015 में 3 साल की मासूम से किया था दुष्कर्म। अलीगढ़ में 6 छात्रों को कार ने कुचला। हादसे में 1 की मौत, 1 की हालत नाजुक। 4 घायल हो चुके हैं। बुलंदशहर में युवाओं के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले 2 ठगों को 3 साल की सजा। ठगों ने युवाओं को बनाया था ठगी का शिकार। अलीगढ़ प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बना कश्मीरी परिधान। जिले की 142 साल पुरानी ऐतिहासिक प्रदर्शनी मेला।
अंबेडकर नगर पहुंचे राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, बोले अमृतकाल का पहला आम बजट 2023-24 का एक लोक कल्याणकारी बजट है। फिरोजाबाद में बोर्ड परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त, नकलविहीन परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। गोंडा में छुट्टा पशुओं से परेशान किसान, किसानों ने छुट्टा जानवरों को लेकर प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। फिरोजाबाद में दो गुटों में खूनी संघर्ष, खूनी संघर्ष का लाइव वीडियो हुआ वायरल, संघर्ष थाना रामगढ़ क्षेत्र कश्मीरी गेट का है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने ईओ को बताई नगर की समस्या, समस्याओं को लेकर ईओ को सौंपा ज्ञापन। फिरोजाबाद में चलती गाड़ी में महिला के साथ गैंगरेप, सीआरपीएफ के जवान और पुलिस के सिपाही पर एफआईआर दर्ज। लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, टक्कर में बाइक सवार दो और युवक गंभीर रूप से हुए घायल। हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेने पहुंचा दूल्हा, बेटी को विदा कर खुश हुए मां बाप, चर्चा का विषय बनाई शादी। लखीमपुर में एम्बुलेंस में लगी आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शिवपाल यादव की मुलाकात से ठीक पहले सपा नेता का जेल बदला, शिवपाल ने कहा भाजपा की सोची समझी रणनीति। संभल में भाकियों के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग पर लगाए गंभीर आरोप, चंदौसी मंडी पर पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। G20 डेलीगेशन को लेकर ताजनगरी आगरा तैयार, डेलीगेशन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने खाका। अंबेडकर नगर में स्कूल प्रबंधक ने बच्चे का सिर मुड़वाया, फौजी स्टाइल में बाल कटवा कर आने पर भड़के प्रबंधक को पुलिस ने किया चालान। अमेठी में शिक्षा के बजाय बच्चों से करवाई जा रही मजदूरी, साइकिल पर बालू ढोते बच्चे का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में तांत्रिक की जहरीली दवा से गई 1.5 साल के मासूम की जान, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। अब्दुल आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जन्म प्रमाण पत्र मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज की। महाराजगंज में बगीचे में मिला युवक का शव, हैदराबाद से 1 महीने पहले आया था, घर पेंटिंग का करता था काम। खिलाड़ी से कराई मालिश, कोच हॉस्टल में लेटकर मोबाइल चला रहे थे, खिलाड़ी पीठ पर मालिश करता रहा। हरदोई में निकाली गई भगवान शिव की शोभा यात्रा, महादेव और माता पार्वती का लोगों ने किया पूजन। सोनभद्र में रामलखन हत्याकांड के दोषी को 7 साल में जेल, 51,000 जुर्माना, रास्ते के विवाद पर पीटा था। हरदोई में गन्ने के खेत में मिला नवजात का शव, खेत मालिक ने देखा, ग्रामीण जिंदा नवजात फेंकने की जता रहे आशंका। बाइक टच होने के विवाद में 27 पर मुकदमा, मेरठ में 2 संप्रदायों में हुई मारपीट, अब तक 5 गिरफ्तार।
आगरा में खेत में मिला युवती का शव, गुरुवार दोपहर से थी लापता, सुबह सरसों के खेत में पड़ा था शव। आजमगढ़ में ट्रक की टक्कर से बाप बेटी की मौत, बाइक से ससुराल जा रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। हरदोई में दहेज हत्या में पति को 7 वर्ष का कारावास, 5,000 रुपए जुर्माना भी होगा। हंडिया के आपूर्ति दफ्तर में लगी आग, सप्लाई इंस्पेक्टर ने दी लिखित तहरीर, फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में पाया काबू। मैनपुरी में किसानों ने गौवंशों को स्कूल में किया बंद, 4 घंटे तक पुलिस से नोकझोंक, इसके बाद गौशाला छोड़ा गया। सुल्तानपुर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, 25 लाख की कीमत का किराना का सामान जलकर राख। गाजीपुर में युवती की चाकू से गोदकर हत्या, घर में सोई हुई थी युवती, देर रात शादी से लौटी, मारे देखा खून से लथपथ शव। बंदूक की नोक पर महिला से लूट, मेरठ में स्कूटी से ससुराल जा रही थी नवविवाहिता, बदमाशों ने ओवरटेक कर लूटी चेन। बिजनौर में सड़क हादसे में सिपाही की मौत, ड्यूटी से लौटते वक्त जानवरों से टकराई बाइक। अंबेडकर नगर में मनरेगा का काम ठप, 700 से अधिक गांवों में मजदूरों की 30 करोड़ से अधिक मजदूरी है बकाया। इटावा में सब्जी की दुकान में लगी आग, दुकान समेत माल जलकर हुआ राख, 50,000 का हुआ नुकसान। जिले के 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।